जनपद में रोजगार के नाम पर महिलाओं से ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिलाओं ने एशियन इंटरप्राइजेज के नाम की कंपनी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उक्त कंपनी महिलाओं का पैसा लेकर फरार हो गई। महिलाओं को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने हंगामा शुरू किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए समझाने का प्रयास किया। मैनपुरी में शासन के आदेश पर डीएमएसपी ने बेसिक शिक्षा दफ्तरों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी अपने दफ्तर से नदारद मिले, कई अनियमितताएं पाई गई जिसे देखकर डीएम का पारा हाई हो गया। कन्नौज में वायनाड आपदा में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर मौन धारण कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सपा नेता ने केंद्र सरकार की मदद को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। प्रदेश सरकार से मृतकों को 10-10 लाख और घायलों को 5-5 लाख देने का भी मांग की। पुलिस टीम ने मात्र 12 घंटे में स्वतंत्र माइक्रोफिन कंपनी के फील्ड ऑफिसर द्वारा लूट की झूठी सूचना देकर कंपनी के 1,55,000 रुपए गबन करने वाले एक अभियुक्त को 1,45,000 रुपए सहित गिरफ्तार किया है। उन्नाव में ओवरटेक के दौरान एक ही स्कूल की दो बसों में जोरदार टक्कर हो गई। बस में कुल 41 बच्चे सवार थे। हादसे में कई बच्चों को चोटें आई हैं जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भेजा गया। हादसे के बाद आनन फानन में जांच करने आरटीओ प्रवर्तन अरविंद सिंह मौके पर मौजूद रहे। झांसी के ग्राम सेजारी में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले विद्युत की अघोषित कटौती और फूके हुए ट्रांसफार्मर को बदलवाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान उन्होंने 24 घंटे में ट्रांसफार्मर को बदलवाने की मांग की। झांसी मंडल में चलती ट्रेन के एसी कोच में बाथरूम में चादर में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। उन्होंने रेल सुरक्षा बल को बुलाकर शराब उनके सुपुर्द कर दी। एक सप्ताह पहले भी चेकिंग के दौरान चलती ट्रेन में शराब तस्करी का कारोबार का भंडाफोड़ हुआ था। इस बार फिर लेकिन दोनों ही कार्यवाही में शराब की तस्करी करने वाले आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सके। जालौन में स्कूल से लौट रही बच्ची पर खंडर की दीवार भरभराकर गिर पड़ी। मासूम की दीवार के नीचे दबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रुद्रप्रयाग में रेस्क्यू अभियान पूरा हो चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड समय में 12,000 से ज्यादा यात्री और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू अभियान लगभग पूर्ण हो चुका है। केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अतिवृष्टि के बाद से ही केंद्र सरकार द्वारा चिनूक व MI हेलीकॉप्टर सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। जालौन में पुलिस चौकी के पास 10 फीट लंबा अजगर निकला। अजगर निकलने से मौके पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया। रुद्रप्रयाग में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि अतिवृष्टि के बाद श्री केदारनाथ से गौरीकुंड का पैदल मार्ग ज्यादा मात्रा में प्रभावित हो गया। इसके अलावा सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य राष्ट्रीय मार्ग का लगभग 150 मीटर मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस पूरी घटना के बाद लगभग 5 से 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद 12,500 ज्यादा लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा चुका है जो सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। ऋषिकेश में एम्बुलेंस में मरीज बनकर शराब की सप्लाई करने वाली रवीना भटनागर को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया है। इस बार रवीना भटनागर से पुलिस ने 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने रवीना पर मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रवीना को जेल भेज दिया है।